बरसों बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई। पर जब मैंने अपने बारे में उसे सब कुछ बताया कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ, मेरे बारे में यह सब जानने के बाद उसने, मेरा नाम रचना है, कुछ साल पहले मेरी शादी मेरे पति संदीप से हुई। मेरे पति संदीप बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी और संदीप की लव मैरिज थी। संदीप ने जब मुझे देखा तो एक ही नज़र में उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। संदीप के घर वाले उनकी शादी मुझसे करने को तैयार नहीं थे, पर किसी तरह संदीप ने अपने घर वालों को मनाया और कुछ दिन बाद हमारी और संदीप की शादी हो गई। मैं संदीप की दुल्हन बनकर ससुराल आई। ससुराल में कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छे से चला, पर कुछ ही दिन बाद मेरी सास और ननद मेरे ऊपर अपना रोब जताना शुरू कर दिए। फिर भी मुझे अपने पति संदीप से इतना प्यार था कि सास और ननद की बातों पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ससुराल में मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की खबर सुनकर मेरे पति संदीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह बहुत खुश हुए। 9 महीने के इंतज़ार के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ। घर में खुशहाली थी, पर बेटे के पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मेरे ऊपर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा। मेरा सब कुछ लूट चुका था। मेरे पति संदीप की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। मैं विधवा बन चुकी थी। पति के मौत की खबर सुनकर मैंने अपना सुध बुध खो दिया। किसी तरह मैं अपने आप को और अपने बच्चे को संभाल ही रही थी और इस दुख से उबरने की कोशिश कर रही थी कि सास ननद ने मुझे घर से यह कहकर निकाल दिया कि मैं और मेरा बेटा इस घर के लिए अपशगुन है। मैं अपने ससुराल से निकलना नहीं चाहती थी। अपने लिए ना सही, पर अपने बेटे की परवरिश के लिए ससुराल में ही रहना चाहती थी, पर ससुराल वाले मुझे अपने साथ रखने से मना कर दिए। इसलिए मजबूरन मैं मायके चली आई। मायके में भी कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद मैं अपने भाई और भाभी पर बोझ बनती जा रही थी। मेरा रहना उन लोगों को अब अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पर बैठकर खाती हूँ। मैं घर का सारा काम करती तो भी मेरे भैया भाभी को मैं बोझ लग रही थी। यह सब देखकर मजबूरन मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा कुछ भी करके तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो। माँ ने जब यह बात मुझसे कही तो यह बात सुनकर मैं टूटकर चकनाचूर हो गई कि ससुराल और मायके के अलावा अब अपना ठिकाना कहाँ ढूंढूं। ससुराल वाले यह कहकर मुझे निकाल दिए कि मैं अपशगुन हूँ और मायके वाले यह कहकर मुझे निकालना चाहते हैं कि अब मैं उनके ऊपर बोझ बनती जा रही हूँ। आखिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल सके जिससे मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकूं। मैं इसी सोच विचार में थी कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तभी अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। माँ के पास कुछ पैसे थे, उस पैसे से माँ ने मुझे डॉक्टर को दिखाया, पर मेरी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हुआ। जब मेरी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो माँ ने मुझे दूसरे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को देने की फीस तो थी, पर दवाई के लिए पैसे नहीं थे। माँ ने मुझे घर भिजवा दिया और मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई। माँ के पास पैसे तो नहीं थे, इसलिए माँ ने मेडिकल स्टोर वाले से कहा कि मुझे यह दवाई दे दीजिए, मैं पैसे आपको बाद में दे दूंगी। पर बिना पैसे के कौन दवाई देता। मेडिकल स्टोर वाले ने माँ से कहा, नहीं, दवाई फ्री में नहीं मिलेगी। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आया, उसने मेरी दवाई फ्री में माँ को दे दी। माँ खुश होकर घर आई। मैंने माँ से पूछा, माँ आपके पास तो पैसे नहीं थे, फिर भी आपने यह दवाई कैसे खरीदी। माँ ने वह सब कुछ बताया जो मेडिकल स्टोर पर उनके साथ हुआ। यह सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी इस जमाने में इंसानियत जिंदा है। कुछ दिन बाद जब मैं ठीक हो गई तो मुझे उस शख्स का शुक्रिया अदा करना था जिसने मुझे फ्री में दवाई दी थी। ठीक होने के बाद मैं उसी मेडिकल स्टोर पर गई जहाँ से
माँ मेरे लिए दवाई लाई थी। मेडिकल स्टोर पर जाते ही मैंने वह पर्ची दिखाई और कहा कि एक बूढ़ी औरत यहाँ से फ्री में दवाई लेकर गई, वह कौन है जिसने मुझे फ्री में दवाई दी? उस आदमी ने कहा, जिसके बारे में आप पूछ रही है वह आपके सामने खड़ा आपसे बात कर रहा है। सुनते ही मैंने उस आदमी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। वह माँ जी दवाई की पर्ची लेकर बहुत रो रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे तो मुझे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने दवाई दे दी। इसमें शुक्रिया क्या अदा करना। कुछ देर बाद मैं वहाँ से वापस अपने घर चली आई, पर अगले कुछ दिनों में अचानक मेरी और उस मेडिकल वाले की मुलाकात हो गई। बातों ही बातों में मैंने उनका नाम पूछ लिया। उनका नाम रवि था। रवि ने मेरा भी नाम पूछा, मैंने अपना भी नाम बता दिया। कुछ देर बाद रवि ने मुझसे कहा, रचना बुरा ना मानो तो अपना नंबर मुझे दे सकती हो? मोबाइल नंबर देने में पहले तो मैं हिचकिचाई, फिर मैंने सोचा रवि भला आदमी है, इसने मेरी मदद की है तो नंबर देने में क्या हर्ज है। मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। उस रात खाना खाने के बाद जब मैं सोने गई तो अचानक रवि का फोन मेरे मोबाइल पर आया। उस दिन से हर रोज मेरी और रवि की बातें होने लगी। बातों ही बातों में रवि ने एक दिन मुझसे कहा, रचना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रवि के मुंह से यह सब बातें सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। मैं कुछ देर तक चुप रही। रवि ने मुझसे कहा, क्या हुआ रचना, तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने रवि से कहा, मैं जवाब क्या दूँ, जवाब यही है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रवि ने पूछा, क्यों रचना, मेरे अंदर कमी ही क्या है, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा। इस बात पर मैंने कहा, नहीं रवि, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाना तो हर लड़की का सपना होता है, पर मैं एक विधवा और एक बच्चे की माँ भी हूँ, मेरे जैसी औरत से शादी करके तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब करोगे। कुछ देर सोचने के बाद रवि ने कहा, रचना पहली नज़र में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। जब मैंने तुमसे प्यार किया था तो मुझे ना तो यह पता था कि तुम एक विधवा हो और ना ही यह पता था कि तुम एक बच्चे की माँ भी हो। रचना मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और सच्चा प्यार करने वाले के सामने परिस्थितियाँ कैसी भी हो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, इसलिए चाहे तुम विधवा हो या चाहे तो एक बच्चे की माँ हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे बच्चे को बाप का प्यार दूंगा और तुम्हारे लिए एक सच्चा जीवन साथी बनूंगा। रवि के मुंह से यह सब सुनकर मेरी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। मैंने रोते हुए रवि से कहा, रवि तुम्हारे जैसा इंसान शायद ही इस दुनिया में मौजूद है, अगर वाकई में तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अगले दिन यह बातें मैंने अपनी माँ को बताई। मेरी माँ बात सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि माँ खुद ही चाहती थी कि मैं मायके से चली जाऊँ और मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिले। रवि ने भी अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की थी, पर उसके घर वाले रवि की शादी मुझसे करवाने को तैयार नहीं थे, पर रवि ने किसी तरह उन्हें मनाया और कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर रवि के घर आई। रवि एक बहुत अच्छे इंसान है, मैं और मेरा बेटा रवि के साथ बहुत खुश है। सच कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान का एक बार सब कुछ लूट जाए तो दोबारा उस इंसान को अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। यह दुनिया बहुत बड़ी है, उसी में कुछ लोग बुरे हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छे। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।